मशू खान यूट्यूब चैनल ड्रामा पेश कर रहे हैं। रायपुर में डकैती पड़ी थी, उसमें कितनी नगद रकम और कितनी चोरात आई है। हाय भूले से बड़ी हाय भूल हुई जो तुझ पे भरोसा। बहुत जल्दी मुझे कोई तरकीब बताओ, उस शाले का मैं काम तमाम करूं। जा जल्दी जा। बहुत जल्दी लाला मुनि बिहारी को बुलाओ। अच्छा हाँ, वही हिम्मती है, वही हिम्मती। बुला। हरि अनंत हरि कथा अनंत कहाँ सुनाई बहु विधि से पैसे। चौपाइया गाएगा ये देखो तब ते भगत पकड़े इनके भगत घुसी तेरी नीचे से निकल जाएगी। लाला इसी वक्त बड़ेला गांव को चला जा और उस बंसिया को बुला करके ला, क्योंकि होली का त्योहार आने वाला है और इस हवेली की सफाई करना है। बंसी को? हाँ बंसी को बुला के आपके हवेली पे लाओ। हमारी हवेली पे फौरन लेकर के आओ उसे। जैसी है कि आप ये मालिक तो जाओ। मीना देवी और बंसी याद रखना, अरे हमारा ठाकुर और बिंसी कहते हैं सुलगती आग हृदय में, अरे सुलगती आग हृदय में, और एक दिन तेरे खून से बुझाऊंगा ना लूंगा जब तक बदला नहीं मैं। चल अरे भैया खेनबाल मुनीम जी जय भीम राम। कहो बड़ा निहुरे निहुरे आए हो, का बात तुमसे ज्यादा थोड़ो हम निहुरे हैं। अरे हमारे तो बुढ़ापा में जैसे हम निहुरे। बंसी तुम चलो, तुम्हें मालिक ठाकुर अरविंद सिंह ने बुलाया है। काहे कोई बात है का? थोड़ा सा काम है, होली आ चुकी है, घर की साफ सफाई करना है। सफाई तो सही थे, हम कहीं ना आ पाई थे। क्यों? तबीयत इनाई ठीक है, दो ढाई महीने दिन आई सफाई करे। ज्यादा परेशान हो? बहुत परेशान है ना। बहुत ज्यादा, बहुत वजन काम थोड़ो है। तो किसी से करवाऊ भैया? हमारे बस का ना, करीब दो ढाई महीना भय जा तब ते नाई सफाई करे। आहा तो बुलाई ठाकुर है। ठाकुर अरविंद सिंह तो ऐसे करो तुम चलो। हाँ। हम अपने भैया को पठाई देवी, हमारी साइड तबीयत नाई ठीक है। हमारे लड़का को बुलाया तेरे। अच्छा तुम्हारे लड़का? हाँ हाँ बुलाया लगा तो पप्पा बुलाई दे। अरे बुखार भैया ना पूछो, बुखार को जो दवाई लाए रहो कुछ फायदा नहीं सही कह रही है। अब है वे आए रहे मुनीम जी। हाँ। तो कुछ काम हवेली पर पड़ा है तो हम ते कह रहे हैं चलो साफ सफाई कर दो चले। तो इस करो भैया तुम है चले जाओ और देख लो जाए का है काम हुआ है। और तले हम दवाई वाई खाए, बहुत रोटी वोटी खाई ले भी आए ठीक है।
ठीक है, और दवा खा लेना समझ। हाँ दवाई खा ले, हम काम करके तुरंत आ जाए। चल हुए हमें दे चल। डॉक्टर कैप्सूल दे के राय खाए हाँ लाए भाई खाए दे तो इंजेक्शन ठुकवाई ले चले। चलो चल पानी दे चल। और अभी तक वो लाला मुनि बंसियों को बुलाकर नहीं आया। खैर उसके आने का इंतजार करते। मालिक बंसी की तबीयत खराब है, बंसी नहीं आया है, उसका लड़का आया है। उसका लड़का आया है? हाँ कहाँ है? बुला से। यही है बंसी का लड़का अनुज। हाँ हमारा नाम अनुज। तुझे हमने जानता है किसने बुलाया है? हमारी हवेली की सफाई करना है क्योंकि होली का त्योहार आने वाला है। लेकिन तुमने ये शर्ट नहीं पहन रखी है, इसे उतार दो वरना साफ सफाई में गंदी हो जाएगी। हाँ होली का त्योहार आ रहा है। हाँ उतार दो इसे। नौकर अरे जा इसे अंदर ले जा और सारे कमरों को दिखा दे जिस जिस कमरे में सफाई करना। लाला अब आएगा मजा। मजा? हाँ अब आएगा मजा लाला। इसी वक्त हमारे दोस्त अमित राज को बुलाओ। अरे यार तखत पर ना बैठो यार भैया। हाँ ये वो कमेटी वाले को हम नहीं का। हाँ वो कमेटी वाले कहीं ऐसे करते हैं कहाँ बैठे? कहाँ होते नहीं बताओ? अब हल्ला के जान के आई फल नहीं फल तब कहीं हो मार दी हो। हमारे दोस्त अमित राजवंशी को बुलाओ। भैया अमित राजवंशी भोग की तरह खड़े हो क्या बनाए हो हालत? मेरे यार मेरे दिल को चैन नहीं पड़ रहा है जब तक उस शाले के टुकड़े टुकड़े नहीं बनाता मैं। अरे मौका आ गया मेरे यार। कैसा मौका? मौका आ गया कैसा मौका? ये शर्ट है और जानते हो किसका है? किसका है? ये उसी अनुज का, बंसी के लड़के अनुज का। तो इसको हम क्या करें? इसको पहन लो और इसी शर्ट को पहन करके जा पड़ेगा गांव को और उसी मीना देवी का कत्ल कर दो। मजा आएगा समझ गए? मजा आएगा। उरे ये राइफल मेरा ना। ठीक है मित्रवार, मैं इसी वक्त जाकर बड़ेला में सारी उस मीना देवी का काम तमाम कर रहा हूँ। हाँ जाओ। जा रहा हूँ। जाओ। जा रहा हूँ, मैं भी देरी नहीं लगाऊंगा और मीना का काम दुनिया शाह। मीना देवी और बंसी। अरे अरविंद सिंह नाम है मेरा, अरविंद सिंह। आज तो हसरत मिटेगी, आज तो हसरत मिटेगी इस गिरनाशात की। कोई भी सुनवाई नहीं होगी तेरी फरियाद की। खून की दरिया बहेगी आज कतरेगा हमें। मछली बनकर तैरेगी बंदूक तेरे। बिटिया नहीं देखाती है आज पता नहीं कहा। और मुझसे क्यों तकरार? वो जीत गया दुश्मन मेरा हुई हमार।
रिपोर्ट लिखवाया, जगत राज से हमारा नाम बताया, हमारा नाम बताया, माफ कर दू तुझे, माफ कर दू, ये ले या। दोनों लड़कियां कह रही हैं कि मेरी माँ का कातिल तुम्हारी हमेली में है। चलो हमेली में है मानते हैं, लेकिन हमेली में है तो हमेली में ऐसे नहीं पकड़ा जाएगा चोर। मेरे भाई बाप बताओ, गंगा रेखा, अगर तुम्हारा कहना है कि कातिल हवेली में छुपा है तो कातिल को सजा मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं पुलिस के द्वारा। हाँ लाला, जरा इंस्पेक्टर जगत राज के पास फोन लगा, लगा फोन। तुम्हारी यार थाने में पहुंच है जगत राज से, खून खून क्या कर दो लड़का। तुम्हारी जान पहचान बहुत अच्छी है हम जानते हैं, क्योंकि तुम जब थाने को जाते हो तुम्हारी सेवा बहुत अच्छी करता है। हेलो हेलो, थाना मचरेटा इंस्पेक्टर जगतराज कंट्रोल रूम। हेलो थाना मचरेटा इंस्पेक्टर जगतराज। हेलो इंस्पेक्टर। हाँ कौन? मैं सूरजपुर से ठाकुर अरविंद सिंह बोल रहा हूँ। कहिए कहिए ठाकुर साहब। इंस्पेक्टर साहब जी, मीना देवी का कत्ल हो गया। क्या मर्डर? हाँ, और इनकी दो लड़कियां भागते हुए आई हैं कातिल का पीछा करते। अच्छा, जिनके हाथों में शक है और उनका कहना है कि कातिल हमारी हवेली में छुपा है। क्या पड़ेला गांव से कातिल भाग करके आपके हमेरी सुटपुछ और राय में छुप गया? जी हाँ, हम चाहते हैं कि आप फौरन आकर के हमारी हवेली की तलाशी ले लें। जमींदार साहब, आप कैमरे में जितने भी गेट दरवाजे हैं सब पे नाकाबंदी करा दीजिए। थैंक यू इंस्पेक्टर। कातिल हमें से बाहर निकलने ना पाए। थैंक यू इंस्पेक्टर, ऐसा ही होगा, जल्दी आप आ जाइए।
इंस्पेक्टर साहब, यही दोनों लड़कियां हैं मीना देवी की। अरे रेखा तुम, मेरा नाम गंगा है, मेरी छोटी बहन है रेखा। गंगा जी साहब, साहब मेरी माँ का खून हो गया साहब। क्या तुम्हारी माँ का मर्डर? मर्डर किसे क्या है साहब? मैं जानती नहीं हूँ, लेकिन इतना मालूम है कि मैं उसका पीछा करके लाई हूँ, हवेली के अंदर है वो। क्या कहा? जब तुम्हारी माँ का मर्डर हुआ तो कातिल को भागते हुए देखा तो उसका पीछा कर लिया। जी हाँ साहब। और कातिल इस हवेली में छुपा हुआ है। हाँ साहब। इसका क्या सबूत है? सबूत है मेरे पास साहब। क्या है? ये शर्ट तुम्हें कहाँ से मिला? मैंने उसे पकड़ लिया था। कातिल को पकड़ लिया था? हम दोनों बहनों ने उसे पकड़ लिया, लेकिन वो भागने में मजबूत रहा, मुझे धक्का मारकर साहब फरार हो गया, लेकिन शर्ट उसका मेरे हाथ। ऐसी कहने का तात्पर्य कातिल यही शर्ट पहन रखा था और तुमने उसका पीछा भी किया, पीछे से उसे पकड़ लिया और कातिल ने तुम्हें झाड़ा दे दिया और आगे निकल गया, उसका शर्ट तुम्हारे हाथ आ गया। कातिल वही है जिसका शर्ट है, अच्छे प्रकार से जानती हो शर्ट उसी कातिल का है। बैठो हवलदार दीवान, हमें नहीं कहना छाल मारो, हमें जो भी मिले उसे। हमने कहा था कि कातिल को ढूंढ निकालो और ये साफ सफाई करने वाले मजदूर को कहां से लाए रे? हम सब ढूंढ पूरे हमेली ढूंढ मारे और ये नंबर 4 पे बैठा था, इसको उतार करके नंबर कमरे में टांड के ऊपर जी साहब सफाई कर रहा था, कूड़ा फेंक रहे। क्यों जमींदार साहब, ये आपका मजदूर है? जी नहीं, मैं इसे जानता पहचानता नहीं हूँ और ना ही हमारे यहाँ काम करता है। आप इसे नहीं जानते? मालिक के झूठ क्यों बोल रहे हो आप? अरे गंगा तुम यहाँ? अनु जी साहब, अरे मेरी माँ का खून हो गया है। माँ का खून हो गया? और कातिल इसी हवेली के अंदर है। साहब इसे मैं जानता हूँ, इसका माँ का खून हो गया है, कातिल इसे हवेली में है, बता रही है साहब आपके हाथ। और सबूत भी इसी जगह पे मौजूद है। सबूत? तेरा कहना है कि मैं कमरे के अंदर सफाई कर रहा था, जमींदार साहब का मजदूर हूँ। हाँ। और ठाकुर अरपिंद सिंह का कहना है कि मैं इसे नहीं जानता। नहीं ये झूठ बोल रहा है। और गंगा ने कातिल का पीछा भी किया है, तो हम क्या एक बात बतला सकते हो, ये शर्ट पहचान दो किसका है? शर्ट? अरे साहब ये तो शर्ट हमारा है। क्या? हाँ काम पहले से पहले हमने उतार के रख दिया। हराम चादे, ये शर्ट तेरा है जो इन लड़कियों ने तेरे बदन से खींचा है, इसके मतलब कातिल तू है। हवलदार हवलदार और भेजो चिंता नहीं, खाना पानी ना पाए और कभी बेशरम देखता कितनी ताकत है। यही सही साहब, और खून माँ का और मेरे अनुज ने किया खून। हराम चादा और किस तरह बात पर तेरे होवे
मीना कच्चा हबुना हमने मारने के बावजूद भी अनुज अपने गुनाहों का एक पाल नहीं कर रहा है और तुमने कातिल के बदन से शर्ट खींचा है और अनुज का कहना है कि यह शर्ट मेरा है और उसका यह भी कहना है कि यह कत्ल हमने नहीं किया है। फिकर मत करो, भरा मुजरिम जमीन के इधर गला से भरा मुजरिम जमीन के अंदर दफन कर दिया जाए। मैं उस मुर्दे को जमीन से बाहर निकाल कर 5 कदम जमीन पे चला देता हूँ, गुनाहों का एक बाल कर देता हूं। गंगा रेखा, तुम अपने घर जाओ, 4 बजे तुम्हारी माँ की बॉडी तुम्हारे घर पहुंच। मुझे इंसाफ देना, फिकर मत करो गंगा, मैं इंसाफ का पुजारी हूँ, इंसाफ करूंगा। कातिल कोई भी हो, मैं उसे गिरा रहने वाली बेचारी बेसहारा दो बेटियां हो गई है, इनकी मदद करना तुम्हारा धर्म है। हाँ बेटे साहब, इन लड़कियों को कोई तकलीफ होने ना जी पाए। नहीं, मेरे जीता जी गंगा और रेखा को कोई तकलीफ नहीं होगी। उनकी हिम्मत नहीं पड़ती। तो यार तुम्हारा दोस्त है, समझा देना, अगर मुंडी पलटी तो सुई में चले के लायक नहीं रखूंगा दरोगा को। अरे फंस गया साला रुजवा, हमारे बनाए हुए चक्रव्यूह में और ऐसी जिंदगी बर्बाद होगी उसकी कि देखने वालों की रूह है। तैयार हो गए बोले कहू आए ना ठाकुर साहब। अरे कक्कू, का भैया गजब हो गया, का होगा, कोई बात हो गई का लड़का हूँ तुम्हार अनुज। हाँ ठाकुर साहब वहाँ गए रहे। अरे कक्कू वो तो जेल गए। यो तुम कहा कहा भूत। हाँ मीना देवी का खून हो गया। यो का बताई रहे हो। उसी खून के इल्जाम में इंस्पेक्टर पकड़ के ले गए भैया हमारे जगतराज। हाँ
आए तो अब हम क्या करें? अब क्या करो, व्यवस्था करो। व्यवस्था हमारे तीर तो कोई है नहीं। ठाकुर साहब ने बताई, बता दी, हम तुम्हें बता दिया। ठीक है ठीक है, तुम जाओ, हम ठाकुर साहब के हमें ले जाएगी, उन्हें तो रोल गए क्या, वह हमारी मदद कर सकते हैं, और तो कोई कहीं नहीं पाई है। मजा तो अब आएगा खेल खेलने में। अरे फंस गया साला हमारे तुम्हारे बनाए हुए चक्र भी हुमी। जिस तरीके से उस साले ने हमें रुलाया था उसी तरीके से उसको रुलाऊंगा। ऐसा रुलाऊंगा कि उसकी आंखों से आंसू नहीं बहेगा तो सिर्फ खून बहेगा। मदद क्या हो, क्या गया है? लड़कों को हमारे पुलिस पकड़ ले गई है।